नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त लगातार भूचाल मचा। नीतीश कुमार की पलटी मारने वाली बात को लेकर राजनीति पर अलग अलग तौर पर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी, जो बीजेपी पार्टी के और बिहार के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उनका भी बड़ा बयान आ गया। बता दें कि मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि आपके पगड़ी उतरने का क्या होगा, नीतीश कुमार क्या अब बीजेपी पर शामिल हो जाएंगे, नीतीश कुमार जो लगातार बयान दे रहे हैं उससे वो क्या अब एनडीए खेमे में शामिल हो जाएंगे, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी आलाकमान सोच समझ कर इस पर फैसला लेगी और लोकसभा चुनाव के लिए ही हमारी बैठक हो रही है। बता दें कि कल होने वाली बैठक में नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने वाले हैं और नीतीश कुमार के इस फैसले का सबको इंतजार है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार कल या तो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही बातों को लेकर लगातार राजनीति तेज है, लेकिन ऐसे में सम्राट चौधरी का बयान आना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है और खुद सम्राट चौधरी इस बात को लेकर काफी ज्यादा बौखलाए नजर आ रहे हैं, मीडिया से बचते बचाते नजर आ रहे हैं और मीडिया को कहीं ना कहीं जवाब नहीं देते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कहा आज सम्राट चौधरी ने, आप सुनिए जरा। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में उस पर क्या लगता है, आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में या सर? नहीं, देखिए ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है आगे भी लड़ते किसके खिलाफ लड़ते हैं। मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है और इस अब जो 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 बोले हैं उनसे पूछिए। दरवाजा खुलेगा फिर से नीतीश सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? देखिए पगड़ी आपने बांधा था, आपने पगड़ी बांधी थी, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। देखिए स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है, पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर सम्राट जी, नीतीश कुमार को स्वागत कीजिएगा। तो आपने तो दर्शकों यहाँ पर सम्राट चौधरी सीधे तौर पर बीजेपी के बारे में बोलते नजर आए और साफ तौर पर बता दिया कि पगड़ी का जवाब तो पगड़ी से ही देंगे लेकिन आने वाले समय में नहीं, और फिलहाल जो बैठक चल रही है वो लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है और बीजेपी आलाकमान जो भी बैठक करेगी वो सोच समझ के करेगी और उस पर सही निर्णय लिया जाएगा। दर्शकों अब देखना होगा कि नीतीश कुमार की इस पलटी से बिहार की राजनीति पर और क्या भूचाल मचते और क्या नीतीश कुमार की पलटी मारने से लालू यादव और तेजस्वी यादव का कुनबा टूट जाएगा या फिर नहीं। पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाय।